अब मुझे वर्कस्पेस पर क्लिक करना है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि मैंने जो यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम यहां पर लिख के आया है और नीचे में पांच ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है ओवरव्यू, दूसरा है टैब नेम, तीसरा गैलरी, चौथा ब्लॉग और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑथरिंग। पहला ऑप्शन ओवरव्यू, इस ओवरव्यू ऑप्शन में आप अपने से संबंधित जानकारी यहां पर लिख सकते हैं और अगर इस जानकारी को आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना होगा। तो मैं अगर ये जानकारी हिंदी में लिखना चाहूंगी तो सबसे पहले मैं एक टूल डाउनलोड कर लेती हूं। तो चलिए हम एक टूल डाउनलोड करते हैं ताकि हम हिंदी में लिख सकें। तो फिर से मैं एक न्यू टैब ओपन करती हूं। अब इस यूआरएल में मैं लिख रही हूं गूगल इनपुट टूल। अब एंटर बटन प्रेस करिए। अब आपको दिख रहा है ऊपर में गूगल इनपुट टूल लिखा है, इस पर आप क्लिक करिए। ऑन क्रोम यहां पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन पर फिर क्लिक करिए। ऐड टू क्रोम यहां पर दिख रहा है, इस पर अब आपको क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन में जाकर फिर से आप क्लिक करिए। अब यहां आप देख सकते हैं आपको ब्लू कलर में गूगल इनपुट टूल का एक सिंबल यहां पर दिखाई दे रहा है, अब इस पर आप क्लिक करिए और एक्सटेंशन ऑप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको क्लिक करना है। क्योंकि यहां पर हम हिंदी भाषा का चयन कर रहे हैं तो हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ताकि हम हिंदी भाषा को ढूंढ सके। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि अहिंदी लिखा हुआ है, उस पर मुझे क्लिक करना है ताकि मैं इसे सेलेक्ट कर सकूं। ये भाषा अब मेरी चयनित हो गई है, अब इसका उपयोग मैं अपनी जानकारी लिखने के लिए कर सकती हूं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं हमारे माय डेस्क पे। अब इस ओवरव्यू में लिखने के लिए मुझे सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। सेटिंग ऑप्शन में एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और इस डायलॉग बॉक्स पर अब आपसे संबंधित जानकारी आप लिख सकते हैं। तो मैं जानकारी अपनी लिख रही हूं यहां पर, मैं कल्याणी पवार व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरला अभनपुर एनआरओईआर प्लेटफॉर्म पे रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रही हूं। इस प्रकार से आप यहां पर जानकारी लिखकर नीचे में जो सेव ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे।